Hi friends, welcome back to my kitchen. In continuation of series on festive season, today I will show you how to make crispy and sweet karanji or gujia. Uttar Bharat mein ise Holi mein banaya jata hai, to Dakshin aur Paschim Bharat mein ise Deepavali mein banaya jata hai. Khaskar Maharashtra mein jahan ise karanji kaha jata hai. Today's recipe is mix of Maharashtra and UP where I will add mawa to the filling. So without much delay, let's get started. और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और फॉलो करना ना भूले। फिलिंग बनाने के लिए आपको चाहिए एक कप किसा हुआ नारियल, 50 ग्राम मावा या खोया, 2 टेबलस्पून बारीक कटे बादाम, 2 टेबलस्पून बारीक कटे पिस्ता, 1 कप सूजी, 2 टेबलस्पून बारीक कटा काजू, 1 टीस्पून खसखस, 2 टेबलस्पून किशमिश, 2 टेबलस्पून चिरौंजी, 1 कप पिसी हुई चीनी। डो बनाने के लिए आपको चाहिए 250 ग्राम मैदा, 2 टेबलस्पून घी, 75 मिलीलीटर दूध, तलने के लिए घी या तेल। आटा बनाने के लिए एक परात में मैदा ले लीजिए। अब इसमें पिघला हुआ घी मिला लीजिए। थोड़ा दूध डालकर अच्छी तरह मिला लीजिए। बाकी बचा दूध भी मिला लीजिए और सख्त आटा गूंद लीजिए। ढककर रख दीजिए। फिलिंग बनाने के लिए एक पैन में सूजी डालकर हल्का सा भून लीजिए। सूजी को मिक्सिंग बाउल में निकाल लीजिए। अब पैन में 1 टीस्पून घी डाल लीजिए। इसमें मावा डाल लीजिए। मावा को हल्का गुलाबी होने तक भून लीजिए। ठंडा होने के लिए रख दीजिए। अब सूजी में पिसी हुई चीनी डाल लीजिए। सूखा नारियल डाल दीजिए। अब कटे हुए ड्राई फ्रूट्स भी डाल दीजिए। अच्छी तरह मिला लीजिए। भुना हुआ मावा या खोया मिला लीजिए।
फिलिंग तैयार है। थोड़ा आटा लेकर लंबा रोल कर लीजिए। फिर उसके एक साइज के टुकड़े काट लीजिए। टुकड़ों के गोले बना लीजिए। गोले की 5 से 6 इंच की रोटी बेल लीजिए। एक प्लेट में रख दीजिए। इसी तरह 5-6 रोटियां बेल लीजिए। रोटी को चकले पर रखिए और उसमें 2 से 3 चम्मच सारन भर दीजिए। थोड़ा सा मैदा पानी में घोलकर लई बना लीजिए। किनारे पर मैदे के घोल की पतली परत लगा लीजिए। एक तरफ से रोटी को उठाकर दूसरी तरफ चिपका दीजिए। हल्के हाथ से दबा दीजिए। एक कुकी कटर से किनारी गोलाकार काट दीजिए। एक फोक से प्रेस करके डिजाइन बना दीजिए। इसी तरह बाकी गुजिया भी बना लीजिए। गुजिया 15 से 20 मिनट तक सूखने दीजिए। एक कढ़ाई में तलने के लिए घी या तेल गरम कर लीजिए। अब गुजियों को धीमी आंच पे हल्का गुलाबी रंग आने तक तल लीजिए। टिश्यू पेपर पर निकाल लीजिए। गुजियों को एक प्लेट में सजाकर सर्व कीजिए।
करारी गुजियों का मजा लीजिए। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।